हेलो स्टूडेंट, मैं हूं संदीपन कुमार बाग। आप देख रही है ओरियन कंप्यूटर एजुकेशन काउंसिल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सीखेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैसे नकद कैश सेल्स एंट्री करते हैं। डे 11 क्लास में मैंने सिखाया था क्रेडिट सेल्स करते हैं सेम स्टेट में कैसे, दिखाया था पूरी डिटेल्स में। डे 12 क्लास में दिखाया था क्रेडिट सेल कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में करते हैं, दिखाया था। आज डे 13 क्लास है, आज मैं सिखाऊंगा कैश या नगद सेल्स वाउचर एंट्री करते हैं, बिल जनरेट करते हैं। चलिए देखते हैं। डे 11 एंड 12 क्लास में सेल्स अकाउंट आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST बना लिया था, अब नहीं बनाना होगा। और आज कैश सेल्स नकद सेल्स, जब कस्टमर मुझसे कोई प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तभी पेमेंट कर देते हैं, तो इसको हम कैश सेल्स बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कैश सेल्स रेफर टू ट्रांजेक्शन इन विच ए कस्टमर पे फॉर गुड्स और सर्विस एट द टाइम ऑफ परचेस विथ कैश। जब प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तभी पे कर देते हैं, तो उसको हम कैश सेल बोलते हैं। कैश सेल्स के लिए कोई संडी डेटर्स या कस्टमर का लेजर बनाना नहीं होता, ये आप खाते में नोट्स कर लीजिए। कुछ एग्जांपल है, इस आधार से ही आपको सिखाऊंगा। देखिए सोल गुड्स झंकर शॉप दिल्ली, जंतर मंतर लोकेशन, इनवॉइस नंबर ये है और इसका GST नंबर है। देखिए इसका GST नंबर डे 11 और डे 12 में जो भी वाउचर मैंने एंट्री करना सिखाया सेल्स वाउचर क्रेडिट सेल्स, उसका कोई GST नंबर नहीं था। तो ये जो कस्टमर है इसका GST नंबर है, तो GST नंबर से भी आप कर सकते हैं। तो ये मुझसे नकद परचेस कर रहा है, सेल मैं इसको नकद कर रहा हूँ, तो इसके लिए इसका कोई लेजर क्रिएट नहीं करूँगा। देखिए कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। पहले गेटवे ऑफ टैली से डायरेक्ट वाउचर में आना होगा, क्योंकि लेजर नहीं होगा क्योंकि कैश सेल्स है। तो देखिए पेमेंट यहाँ लिखा है, यहाँ सेल्स और आप कीबोर्ड से F8 की प्रेस कर सकते हैं। देखिए यह सेल्स आ गया। पहले आपको यहाँ डेट लेना है, देखिए अप्रैल 2 तारीख, और यहाँ जो इनवॉइस नंबर है इनवॉइस नंबर लिखना होगा, कॉपी यहाँ इनवॉइस नंबर लिख रहा हूँ, एंटर। उसके बाद F2 प्रेस करके डेट दीजिए, पहले डेट देना होगा यहाँ 2/4/2023, एंटर प्रेस किया। पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ कैश सेल कर रहा हूँ इसके लिए कोई पार्टी यहाँ सिलेक्ट नहीं करना होता है, यहाँ कैश सिलेक्ट करना होगा। वो जो पार्टी है जो कस्टमर झंकर शॉप, वो मुझे कैश देंगे तो यहाँ कैश सिलेक्ट करेंगे, और उस कस्टमर जब बैंक में टाका भेजेंगे तो यहाँ सिलेक्ट करना होगा बैंक। तो मैं ही मान के चल रहा हूँ या उस कस्टमर ने कैश दे रहा है तो कैश सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए यह आप डिलीवर नोट नंबर, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू किसके द्वारा डिस्पैच हो रहा है, डेस्टिनेशन कहाँ हो रहा है, कैरियर ट्रांसपोर्टर नेम आप लिख सकते हैं, बिल लेडिंग नंबर लिख सकते हैं, गाड़ी का नंबर लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं। मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ, ये पहले भी आपको बताया थे। देखिए यहाँ कैश। अब यहाँ मेलिंग नेम में आप कस्टमर का नाम लिखिए, क्योंकि कस्टमर को बिल देना होगा और बिल में जो कस्टमर खरीद रहा है उसका नाम होना चाहिए, इसके लिए यहाँ मेलिंग नेम में कस्टमर का नाम। देखिए स्पेस देकर आप यहाँ डिलीट कर सकते हैं। देखिए यहाँ झंकर सब कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, एंटर। एड्रेस भी आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ एड्रेस लिखा है दिल्ली जंतर मंतर, आपका कस्टमर का एड्रेस आप कस्टमर से पूछ लेंगे, तो यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ, एंटर। स्टेट दिल्ली,
DE, देखिए यहाँ दिल्ली सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ रजिस्टर्ड कस्टमर क्योंकि इसका GST नंबर है, तो यहाँ देखिए GST नंबर लिखा है, तो GST नंबर भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये तो आप कस्टमर से पूछेंगे, जब कस्टमर आपको बताएंगे उसका GST नंबर है कि नहीं है, तो है तो किस आधार से रजिस्टर है, आधार मतलब यहाँ रेगुलर है या कंपोजिशन है, कस्टमर खुद ही आपको बताएंगे। मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ रेगुलर है, तो रेगुलर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ GSTIN नंबर लिख रहा हूँ, एंटर। प्लेस ऑफ सप्लाई, ये जो गुड्स मैं बेच रहा हूँ, ये गुड्स दिल्ली में मैं डिलीवरी करूँगा ना वेस्ट बंगाल में डिलीवरी करूँगा, इसके आधार से ही GST एप्लीकेबल होगा। मेरा जो बिजनेस है वो वेस्ट बंगाल में है, मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली रहेगा और यहाँ IGST एप्लीकेबल होगा। देखिए यहाँ दिल्ली, एंटर। सेल्स लेजर, देखिए यहाँ सेल्स अकाउंट शो कर रहा है, तो इसको सिलेक्ट करना होगा। डे 11 क्लास में दिखाया था सेल्स अकाउंट कैसे बनाते हैं, ज़रूर देखिए। तो एंटर प्रेस किया, तो यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर स्पेस किया, यहाँ दूसरी स्टेट में प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो इसके लिए इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल होगा। नेम ऑफ आइटम यहाँ स्पेस करेंगे, स्पेस की प्रेस करेंगे तो यहाँ देखेंगे आपका जो भी स्टॉक है वो स्टॉक यहाँ शो करेगा और उसके बगल में दिखाएंगे कितना स्टॉक अवेलेबल है। देखिए यहाँ 14 इंच LCD TV 2 पीस है और 24 LCD LG जीरो रहेगा तो आप सेल नहीं कर सकते हैं, आपको परचेस करना होगा। यहाँ क्वांटिटी शो करना चाहिए, जो भी क्वांटिटी यहाँ शो करेगा वही प्रोडक्ट आपके पास है, अवेलेबल है, वही आपको सेल करना होगा। तो मैं यहाँ शुगर सेल कर रहा हूँ, देखिए शुगर, तो यहाँ मेरे पास 50 kg शुगर है, मैं शुगर सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर। क्वांटिटी मैं मान के चल रहा हूँ 10 kg लिख रहा हूँ, एंटर प्रेस किया, देखिए यहाँ kg आ रहा है। रेट मैं मान के चल रहा हूँ 60, रेट 60 मान के चल रहा हूँ, एंटर। एंटर देखिए यहाँ 600 रुपया अमाउंट आ गया, एंटर। और कुछ प्रोडक्ट्स आप सेल करेंगे तो यहाँ स्पेस देकर वो भी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, वाइट फ्लावर ले रहा हूँ, एंटर। एंटर यहाँ 5 kg, देखिए मैं मान के चल रहा हूँ 40 रुपया, एंटर। 200 टोटल, देखिए 800 रुपया कैलकुलेशन होकर यहाँ शो कर रहा है। तो और भी कोई प्रोडक्ट्स है तो आप यहाँ स्पेस देकर सिलेक्ट कीजिए, तो आपका कस्टमर जो भी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। एंटर प्रेस किया, अब GST लेजर सिलेक्ट करना होगा, स्पेस यहाँ आउटपुट IGST सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से दिल्ली में प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, तो आउटपुट IGST, एंटर। देखिए एंटर, एंटर प्रेस, देखिए यहाँ टोटल आउटपुट IGST 118 रुपया, ये रुपया सभी सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करेंगे, एंटर। नेशन में चाहे तो आप कुछ बात लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ, जब जनरल एंट्री आपको सिखाऊंगा तब नेशन में कैसे लिखते हैं दिखाऊंगा। आप इस जो कस्टमर है, कस्टमर को बिल देना होगा, बिल देने के लिए आपको यहाँ प्रिंट ऑप्शन है, आप प्रिंट में क्लिक कीजिए व अल्टर प्रिंट अल्टर पी प्रेस कीजिए, करेंट में क्लिक कीजिए या कंट्रोल पी प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ प्रीव्यू ऑप्शन है, आप देख सकते हैं बिल और प्रिंट में आप प्रिंट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ प्रीव्यू ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूँ देखने के लिए। देखिए जूम ऑप्शन में क्लिक किया, यहाँ देखिए ओरियन कंप्यूटर एजुकेशन काउंसिल, मेरा कंपनी का नाम है, कंपनी का एड्रेस, मेरा GST नंबर है, और देखिए यहाँ, देखिए यहाँ कैश सेल हो रहा है, देखिए कैश सेल, और यहाँ देखिए बायर बिल टू, बायर बिल टू, देखिए झंकर शॉप दिल्ली जंतर मंतर, GST नंबर, उसका GST नंबर था, देखिए स्टेट नेम दिल्ली, कोड है, कोड भी है, देखिए इनवॉइस नंबर, डेट सब कुछ है, और यहाँ देखिए शुगर
देखिए 10 kg, वाइट फ्लावर देखिए 5 kg, रेट कितना है, कितना अमाउंट कुल मिलाकर जी IGST है, और टोटल यहाँ देखिए नीचे आइए, यहाँ भी पूरा डिटेल सब देख सकते हैं। ये बिल आपको प्रिंट करके यहाँ सिग्नेचर करना होगा और प्रोडक्ट से साथ कस्टमर को आप दे देंगे। तो यही था कैश सेल्स एंट्री, मैंने पूरी डिटेल्स आपको सिखाया। इस वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए स्किप की प्रेस किया, बैक आया, इसको सेव करेंगे तो कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लेंगे देखिए। और ये जो मैंने सेल किया, नकद सेल किया, तो इसके लिए देखिए कोई आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल बिल नहीं होगा। देखिए गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ देखिए आउटस्टैंडिंग, और यहाँ रिसीवेबल में आप नहीं देखेंगे। देखिए यहाँ कोई अमाउंट नहीं शो कर रहा क्योंकि नकद उन्होंने कैश मुझे दिया, मैं सेल किया, प्रोडक्ट्स दिया, तो यहाँ शो नहीं होगा। तो देखिए स्केप की प्रेस कर रहा हूँ तो कैश देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ कैश फ्लो आप देख सकते हैं अप्रैल का। देखिए एंटर प्रेस किया, देखिए एंटर करेंट लायबिलिटीज़, देखिए 118 रुपया GST है। एंटर प्रेस किया, देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस है, एंटर प्रेस किया, आउटपुट IGST है। स्केप की प्रेस करके बैक आया, यहाँ देखिए सेल्स अकाउंट में देखिए 800 रुपया है। देखिए पूरे डिटेल्स कैश, देखिए यहाँ कैश लिखा है, एंटर। अभी अभी इस वाउचर एंट्री किया, स्केप की प्रेस किए, बैक आया। आप इस तरह कैश फ्लो देख सकते हैं। और यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से आप अकाउंट्स बुक में जाइए और यहाँ कैश बैंक सिलेक्ट कीजिए। आप यहाँ कैश में कितना है, बैंक में कितना है देख सकते हैं। कैश देखिए एंटर प्रेस किया, अप्रैल में कैश दिखा रहा है 918 रुपया यहाँ शो कर रहा है। क्लोजिंग बैलेंस था इस रुपया और सेल किया 918 रुपया तो ऐड हो गया। देखिए एंटर प्रेस किया, यहाँ देखिए सेल्स हुआ है, कैश आया है। तो इस तरह आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं। आप स्टॉक देखने के लिए गेट ऑफ टैली से आप स्टॉक समरी में आइए। देखिए अब स्टॉक है 14 इंची LCD 2 पीस। शुगर देखिए, शुगर 50 kg था, 10 kg सेल किया, 40 kg है। और यहाँ वाइट फ्लावर है, देखिए 50 kg था, अब 45 kg है क्योंकि 5 kg मैंने सेल किया दिल्ली में। तो इस तरह आप रिपोर्ट देख सकते हैं।